हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इधर देखिए, आर्यन मेरा स्कूल से आ गया है। स्कूल से आने के बाद बेटा अभी मेरा खाया नहीं है, तो आते ही सारी सामान लाने के लिए कोशिश कर दिया। बाटला भी लेके आ गया, बड़ा वाला बाटला मेरा है लेकिन दुकान पे है, अभी बनाया नहीं है। तो गाइस, छोटा वाला बाटला आर्यन अभी लेके आ रहा है, बोला मम्मी आप कुछ बनाओ, पहले सुबह से कुछ खाई नहीं हो तो खा लो। मैं बोली मुझे भूख नहीं है, भूख रहती तो मैं खा लेती, लेकिन जब जानते हैं पहले रूम व्यवस्थित हो जाता है, इंसान का दिमाग स्थायी हो जाता है। तो गाइस, भूख प्यास लगती है तो गैस ला के रख दिया, बोला फटाफट आप चलो पहले कुछ बनाओ, और आज है सैटरडे और क्या कर सकती हूँ। पहले सोच रही हूँ सारा सामान एक साइड कर देती हूँ, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ क्या कंडीशन है मेरे रूम का। ये देखिए, पानी पोछ पोछ के सब कपड़े इधर फैले हुए हैं, कितना कपड़ा इधर रखूँ, इतना पानी आ रहा है। और रूम मालिक बोले हैं देखो कुछ करवाने के लिए, इधर स्लाइडर विंडो में बोले हैं, पूरा प्लास्टिक लगवा देता हूँ, नहीं आएगा इधर से। अब एक महीने की बात है, अगर से आपको रहना है तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लीजिए दूसरा रूम। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं ये रहो यहीं पे। तो गाइस, हम सोच रहे हैं कि पहले सारा व्यवस्था देख लेती हूँ, कैसे कैसे क्या मैनेज करूँ, कहाँ करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। दीवार में भी सूखे नहीं है, सारे दीवार एकदम पूरा गीले हैं, बिस्तर वगैरह सब कुछ है, लेकिन क्या है कि 2 महीने से सब रखा हुआ था, मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं वो बिस्तर यूज करूँ, बस मेरी मजबूरी है। बारिश हो रहा है, बारिश में अगर मैं धो दूंगी तो सोने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो गाइस, यही सब दिक्कतें जो हैं कि आ रही हैं, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट से शायद हमारी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं, तो समझ लीजिए आप लोग मेरे लिए भगवान ही हो कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। और जब इंसान इतना दे सकता है, इतना कर सकता है, बच्चों के लिए जी सकता है, तो बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है गाइस। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले बर्तन, और धीरे धीरे बच्चे गए हैं सामान लेके आ रहे हैं, और कितनी बार ऊपर नीचे चढ़े, आना जाना भारी पड़ रहा है। बैक कैमरा पूरा जैसे लगा आ रहा है, बोला अब मैं नहीं जाऊँगा, आर्यन आ रहा है मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आर्यन को मेरे बहुत टेंशन है। क्या बोला है कि आर्यन की बातें सुन के मुझे रुलाई आ रही है, कि मतलब उसको भले ही कुछ हो लेकिन उसके अपने मम्मी की बहुत ज़्यादा फिक्र है। मैं बोली जाओ खाना खा लो, तो बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊँ। बोला आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, बजाई जाओ तुम खा लो, मैं मुझे भूख नहीं है, इसलिए गया फटाफट बाटला लेके आया, गैस लेके आया, बोला फटाफट आप कुछ बनाओ। गैस थोड़ा सा इमोशनलपन आ ही जाता है, क्या करें, समय है। और किसी के लिए मुझे कोई इमोशनल चीज़, और सच में बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, केवल आर्यन की बातें सुन के कि हाँ चाहे जैसा भी हो वो मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे चाहता है। इधर देखिए आ गया है, खाए कि नहीं खाना, खा लिए, बहुत ज़बरदस्ती की तो गया खाना खा के आया है, और मैं जा रही हूँ, देखो धीरे धीरे सब करती हूँ, क्या करूँगी इधर उधर, एक बार इधर सामान धो के लेके आओ, एक बार फिर कहीं और शिफ्ट हो तो वहाँ तो करना तो है मुझे, इस बहादुर बेटे को ही। क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा है पानी उसमें दिख रहा था, लेकिन ये आर्यन जो है ना उधर से क्या है कि चालू बंद करने वाला होता है वो हटा दिया है। तो गाइस, आप लोग अपनी पूनम दीदी का सिचुएशन देख रहे हैं कि मैं कितने संघर्ष कर रही हूँ। हमने किचन से ही स्टार्ट कर दिया है इसे करने के लिए, क्योंकि किचन रहेगा तो धीरे धीरे बच्चे को कुछ भी बना के खिलाती रहूँगी। तो मैं क्या है कि सारे डब्बे वगैरह डब्बे में भर के रखी थी, सारे डब्बे में खाली करती हूँ, पहले किचन को पहले सही कर देती हूँ,
और फिर उसके बाद फिर देखती हूँ कौन कैसे कहाँ रखा, मुझे समझ में नहीं आ रही। ऊपर इधर टाटी है और सामान सब मैं बैग वगैरह कहाँ एडजस्ट करूँगी, हमें लग रहा है कि कुछ और सोचना पड़ेगा। और रूम देखिए, इस रूम में सारा सामान कैसे फैला हुआ है, जाओ आगे मुझे टिफिन दिखाओ तो किस तरीके से पूरा रूम हुआ है। तो आप लोग जुड़े रहे तब तक यहाँ पे हमें सारे सामान वगैरह साफ करके मिलते हैं। बर्तन लाया तो हूँ, ये इसमें रहे है आधा बस। जाओ बर्तन मांगने वाले लेके आओ ना, साबुन लेके आओ, बखान अपना क्या हो गया, देखो किस में डाले हैं कि नहीं डाले, उसमें बर्तन देखो है। देखता हूँ। आप लोगों को पता है मम्मी गाँव गई थी और मैं मुंबई में था, तो इस वजह से तो सब देख सकते हैं। जो कि हमारा पुराने वाले घर में अलमारी था वो भी सेट हो गया है। यहाँ पे अभी ये ताड़े पर जो देख रहे हैं ना, टाकी बैठा हुआ, तो इस वजह से सामान यहाँ पे जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे आधा सामान है जो मम्मी गांव से लेके आई है, और मम्मी गांव से क्या क्या लेके आई उसका हम लोग एक फुल टू फुल ब्लॉग बनाएंगे। आप लोग ब्लॉग को प्यार देते रहिए और देखते रहिए। काफ़ी मौसम भी अच्छा बन गया है, धूप भी निकला हुआ है, बारिश भी हुआ था, दोनों हुआ है। और मम्मी क्या कर रही हैं, मम्मी देखिए आधा सामान यहाँ पे किचन का साफ विफ करके यहाँ पे बर्तन धो रही है। पहले देखो कितना बर्तन, कितने ढेर सारे बर्तन हैं, सारे धो रही हूँ मैं ए टू जेड। सारे बर्तन धुलूंगी नहीं, रखा हुआ बर्तन दो महीने से पड़ा है तो बर्तन जरूरी धुलना पड़ेगा। यहाँ पे मम्मी धो रही हैं, शाम हो गया है, पहले तो सुबह उधर बहुत टेंशन में बैठी थी, फिर मैं बोली टेंशन में बैठ के क्या होगा, करना तो मुझे है, मैं धीरे धीरे सारे काम निपटा रही हूँ। और रह गया है किचन का भी, उधर सब धो पोछ के उधर नीचे डब्बा बस सरिया दी हूँ, बकिया धीरे धीरे जो है कर रही हूँ। आलू जुड़े गए तो मम्मी बर्तन वगैरह धो के मिलती हैं। गाइस घड़ी में देख सकते कितने बज गए हैं, 6:34 हो गया है। और मम्मी का अभी तक वो बर्तन वर्तन धो के हुआ नहीं, आधे घंटे से ऊपर हो गया। इधर पे आके इन लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं कब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी बर्तन वगैरह धो रही है, धो चुके हैं, वो स्टैंड धो रही हैं सब्जी वब्जी का। इसके हाथ में चोट लगा, मेरे में भी हाथ में चोट लगा। तो आप लोग जुड़े तब तक मिलते हैं। सो गाइस गुड इवनिंग, आप लोग को पता है कि मैं आज कितना काम की हूँ, सारा घर जो फैला हुआ था मैंने आर ओ पर सही से आने रख दो सब साइड में रख दी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब क्या करें, बार बार बच्चे लोग को परेशान भी करना नहीं अच्छा लगता। मैं और आर्यन ने मिल के और कुछ मैंने अकेले सारा बर्तन वगैरह सब कुछ धुली, जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा इधर घर वगैरह आर्यन ने दिखाया। तो मैं नहा हो ली हूँ अभी, कंघी तो मुझे 2 दिन हो गए, मैं अभी तक कंघी नहीं की हूँ। तो गाइस जब काम रहता है तो कुछ ध्यान नहीं रहता है, तो फिर टाइम आज इतनी टाइम मैं सुबह से चाय नहीं पी थी, तो अभी को मैं चाय पीने जा रही हूँ। तो होता है ना कि जब नया घर लो कुछ भी लो तो मीठा बनाओ, तो मैं मीठे में क्या बना रही, आरो बोला कि मम्मी कुछ मीठा बना दो, उनका मीठा चाय भी तो होता है, तो चलो हम चाय से इस घर की शुरुआत कर रहे हैं। तो भोले बाबा की कृपा से बस ऐसे ऐसे ही मिठास बना रहे हैं घर में। तो गाइस इधर मैंने दूध को बारी कर दिया है, आर्यन इधर आ गया है, गया है अभी पानी लेके आया है पीने वाला, क्योंकि सुबह से पानी नहीं था। मैं बोली जाओ एक बॉटल पीने का पानी लेके आओ, फिर उसके बाद हम सब्जी वगैरह भी मंगाएंगे। तो गाइस पहले चाय बना के पी लेते हैं, क्योंकि हम सुबह से आज चाय नहीं पी।